नमस्ते साथियों, मैं महादेव ये बोल रहा हूँ। साथियों, मैं आज आप लोग के बीच में ये 2 मार्च 2023 को का धरना के संबंध में हम लोग आप लोग का मालूम है कुछ वीडियो वगैरह सोशल मीडिया में डालता है, कुछ सर्कुलर लेटर्स वगैरह डालता है। इसमें कुछ लोग कुछ नया लोग अननेसरी कमेंट करता है। अननेसरी कमेंट करना उनको अधिकार है, हम भी देख रहे हैं। कुछ अच्छा कमेंट के लिए रिप्लाई भी कर रहा है। रिप्लाई करना पूछना गलत नहीं है, परंतु बोलने तरीके में ये लोग दूसरे लोगों का कैंपेनिंग करना तरह जा रहा है, ये अच्छा नहीं। मैं मतलब ये बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए, एक दिन का धरना से क्या होगा करके ये कमेंट करता है। दूसरी एक बोलता है कोई ग्रुप में कोई जगह में, एक दिन का आप लोग धरना करते हैं तंखा कट लेगा, आप इंडेफिनिट स्ट्राइक क्यों नहीं करता। साथियों, एक दिन का दो कोई धरना से पैसा काटेगा नहीं, आप एक दिन का धरना कट जाएगा। यदि डिपार्टमेंट ने चाहे तो काट सकता, ठीक है, ये मैं मान लेता हूं। यदि आप लोग लीव लिया आपका नहीं मिलेगा नहीं, ये इस तरह हुआ हो तो। यदि आप एक दिन का धरना के लिए डरने वाला, आपका भरोसा पर इंडेफिनिट स्ट्राइक कैसे जाएगा? ये लॉजिक तो है ना, मैंने भी लीडर है ना। इसलिए साथियों, इस तरह बात करने का जरूरत नहीं। कार्य में कुछ रिएक्शन तो आता है, मतलब हम लोग जमीन पर देश पर ऑर्गेनाइज किए हो तो ऑटोमेटिक सरकार के ऊपर दबाव आता है। मैं कभी ये नहीं बोल रहा है हम लोग, हमारा यूनियन कभी रेगुलराइजेशन के लिए इंडेफिनिट स्ट्राइक नहीं करेगा, किधर भी हम लोग रिजर्वेशन नहीं लिया है। मैं पहले भी बहुत बार बोला हूं, 10 बार हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक गया है। मेरा नेतृत्व में हमारा ये जिसो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक को, और पहले हमारे यूनियन का नाम था ऑल इंडिया पोस्टल एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एम्प्लाइज था। ये लगातार लड़के हम लोग आज आप लोग देखा होगा Rule 3 ट्रांसफर में पोर्टल सेकंड साइकिल शुरू हो रहा है, और कुछ दिन में कुछ GDS के संबंध में कोई नेग्लेक्ट। पहले एक समय था 50 साल का पहले, 50 साल से आप पिछले 20 साल के पहले देखो हो तो 10 साल में एक लेटर लिखता था GDS का नाम से, कोई GDS का संबंध में एक लेटर, हर महीने हर दिन कोई आर्डर नहीं था, क्योंकि ए टाइम में कोई पूछना भी नहीं था, बहुत उनको यूनियन नहीं था। इस तरह के मतलब हम लोगों अंधेरे में था। हम लोग इस आने के बाद तो प्रयास करके अभी धरना वो प्रदर्शन करने के बाद तो ठीक है, कोरोना आया, कोरोना के बाद एकदम आप इंडेफिनिट स्ट्राइक करो। ये नया लोग ज़्यादा लोग आया है, कुछ लोग आता रहता मालूम है, अभी 35,000 लोग प्रमोट हो गया, अभी 40,800 पद भर रहा है। इस संदर्भ में हम लोगों अभी पहली स्टेज पर 2 तारीख का धरना करेगा। अभी क्यों किया ये, मैं जानबूझ के धरना करके ये नहीं, आप देश भर में सोशल मीडिया में टारगेट का परिस्थिति कैसे था पिछले आप लोग का महामेला, एक दिन का 1 करोड़, और अगली संडे भी काम करो बोला था, कोई संडे काम हुआ देश में? साथियों, यही दबाव होता है, यही सफलता होता है। आज मुझे बहुत हमारा लोग बोला आप लेटर प्रोग्राम होने के बाद हम लोग का बहुत राहत मिला है नीचे करके, इसका मुकाबला करने से होता है। ऐसे बोलने से सोशल मीडिया में एक एक लिख के निराश होकर लिखने से नहीं होता साथियों। इसलिए आप लोगों ये बढ़ चढ़ के 2 तारीख का हमारा धरना प्रोग्राम में भाग ले, और हमारा सारे नेता लोग को भी ये निवेदन है आप इस धरना प्रोग्राम का सफल बनाएं। आने वाला तीसरी स्टेज का हमारा कार्यक्रम है 16 मार्च एवं 17 मार्च का 2 दिन का। इस 2 दिन स्ट्राइक के पहले हो सकता डिपार्टमेंट कुछ नेगोशिएशन वगैरह का बुलाएगा, जरूर बुलाएगा, हम लोग चल के इस संबंध में हम लोग का बात करेगा। हम लोग लगातार लेटर लिख रहा है, हमारा भी इस एक्शन सरकार का खुशी होता है क्या, मुझे ये रिएक्शन हम जनरल सेक्रेटरी तो नेता लोग लेना पड़ता है, इसका हम लोग ले रहा है अलग बात है, परंतु हम लोग इस कार्यक्रम का सफल बनाना है। सफल बनाने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ आप लोग से। साथियों, कल कुछ लोग बोल रहा है कल 2 तारीख का मेमोरेंडम देना क्या, मेमोरेंडम हम लोग ऑलरेडी चार्टर ऑफ डिमेंड बनाया है। हम लोग अगली एक कार्यक्रम है आपका मालूम है 16 और 17 का 2 दिन का हड़ताल का रखा कारण, अब स्ट्राइक नोटिस का हम लोग सोशल मीडिया में दिया भाई, पोस्ट हम लोग को भेजा है, कल भी दोबारा रिट्रेट किया जाएगा। इसी हमारा स्ट्राइक नोटिस कॉपी का हर डिविजनल SSP का आप लोग डिविजन की तरफ से इसी का कॉपी का सबमिट करिए, इसका भी दबाव आता है, समझ रहे हैं ना। ये 2 तारीख को अलग कोई मेमोरेंडम देने का जरूरत नहीं, आप चाहे हो तो आपका लेटरेड में, आप स्थानीय लेटरेड में सिग्नेचर आपको दोनों यूनियन का पदाधिकारी साइन करके
सेक्रेटरी चेयरमैन हो इत्यादि आप लोग क्या नीचे बना के रखा है, दोनों यूनियन की तरफ से चाहे तो जॉइंट ये बना के, ये हम लोग ऑलरेडी जॉइंट हड़ताल का नोटिस दिया है, इसी का अटैच करके ये स्ट्राइक का नोटिस का आप लोगों हर डिवीजन में आप लोग का एसएसपी एसपी के ऑफिस में चल के सबमिट करके हम लोग इस परिस्थिति में जा रहा, हम लोग भी आपका कोऑपरेशन जाता है क्योंकि हमारा ऊपर दबाव ज़्यादा है, हमारा बहुत कुछ पेंडिंग प्रॉब्लम है। ये बोलते हुए ये को लेके देख के आना, कोई आपका किसी ने इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है करो शांति से करो, हम हमारा हड़ताल भी हम लोग शांति से होगा। यदि कोई इंडिपेंडेंस स्ट्राइक हो कोई हड़ताल में हम लोग सरकारी का ये प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना है, किसी सरकार उन्होंने ऑफिसर्स का हम लोग कोई धक्का पहुंचाना नहीं है, ये कभी हमारा मत्सक में नहीं होता। हम लोग हमारा पोस्टल यूनियंस कभी इस तरह काम कभी नहीं हुआ, किधर भी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग शांति रूप से करेगा, शांति रूप से प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है, इसलिए इस धरना का आप सफल बनाइए। मैं बोला हूँ इसका वो तो आगे आने वाला समय में समय समय पर हम लोग का आंदोलन हम लोग का मार्गदर्शन करते चलता रहता है, इसलिए अभी हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, कोई किसी का व्हाट्सएप पदर में देख के डरने का जरूरत नहीं। और 2 तारीख का एक दिन का धरना है, इसल सफल बनाइए और आगे कैंपेनिंग करते हुए हो सकता आप लोग हमारा आंध्र प्रदेश में केरला में इत्यादि बहुत सर्कल में जॉइंट कन्वेंशन कर रहा है, हर रीजन लेवल पर डिवीजन लेवल पर आप लोग भी आपका डिवीजन लेवल में आपका सर्कल लेवल में कैसे दोनों मिलके आगे 2 तारीख के धरना के बाद कैसे कैसे आप लोग 16-17 का और इफेक्टिव से किया हो तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, आप निरीक्षण नहीं कर सकता, सोशल मीडिया में देख के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने की तरह नहीं होता, एक बहुत इसका प्रभाव पड़ता है साथियों, इसलिए ये बहुत इसका समय में ये हड़ताल भी जरूरी करके हम लोग हड़ताल का नोटिस इसका कर रहा है, इसलिए सभी का सहयोग लेके इसका सफल बनाना हमारा मकसद है, इसलिए इस 2 तारीख का सफल बनाइए और 16-17 का भी तैयारी जारी रखे। मैं बीच में इस संबंध में हम लोग आएगा, हम भी सोशल मीडिया में रहेगा, ये आपका मालूम है, इसका करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। धन्यवाद। कृपा करके साथियों आप लोगों ये कुछ लोग है ये वीडियो देखते हुए कर लेगा 8 घंटा कर दो, इंडेफिनिट समय भी आएगा, ये नहीं हो तो इंडेफिनिट तक नहीं जाएगा, पर एक स्टेज उनका एक 2 कदम डाल के हम लोग आगे जाना होता है, यही एक ट्रेड यूनियन का एक ट्रेडिशन होता है, इसी ट्रेडिशन के मुताबिक हुआ होते हम लोग भी प्रशासन से कुछ ले सकता, लगातार संघर्ष कर रहा इसका कुछ तो करना करके ये मनोभाव आएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा मैंने भी और कुछ कर सकते, ये पब्लिक मीट हमारा सामने नहीं है, सोशल मीडिया में ये मेरा वीडियो को बहुत लोग भी देखता है, समझ रहा है ना, इसलिए इसमें आप लोग बिना डरते आपका अधिकार का धरना प्रदर्शन करने का आपका नैतिक अधिकार है, ये मॉरल राइट है, मॉरल जिम्मेदारी भी है, इसलिए इस दबाव का परिस्थिति में आप चल के इस कार्यक्रम का सफल बनाने का कोशिश करने के लिए मैं निवेदन करते हुए मेरे बात समाप्त करता हूँ। और इस लोगों का आप लोग भेजो नया लोगों के पास, हर GDS को इस वीडियो का देखने के लिए आप लाइक करिए और बाकी लोगों को भेजिए, कुछ हड़ताल का किसी नेता का कुछ बात सुनो वो तो कुछ जागृति आएगा, कोई गलत नहीं है, हम लोग कोई गलत इशू पर कैंपेनिंग नहीं कर रहा है, हम लोग GDS के लिए संगठित होके जाना है, समझ रहा है ना, इसलिए ये सोशल मीडिया YouTube इत्यादि हमारा लिए एक तरह का आप लोग के पास पहुंचने के लिए उपयुक्त हुआ है, इस उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप भेजने के मैं नहीं आप लोग भेज सकता, इसलिए आप लोगों के पास लेके ज्यादा से ज्यादा लोग चल के इसका देख के हमारा धरना का हमारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग कष्ट करेगा। और कोई बात चर्चा चलता रहता हम भी जोर से बोलेगा आप भी बोलेगा, ये तो चर्चा दूसरी तरह चलता रहता है, परंतु अभी हमारा इमीडिएट मकसद ये प्रशासन का खिलाफत हम लोग जा रहा है, ये अडमेंट सरकारों का खिलाफत हम लोग लड़ाई कर रहा है, इसलिए इस समय में इस आने वाला कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दोबारा निवेदन करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।